Good afternoon, everyone. I'm Dr. Zafar Saleem, General Secretary JAKASI. So we are at Government Medical College Srinagar outside the auditorium, and it's a three-day JAKASI Con 2022 conference being organized by Department of Surgery, Government Medical College Srinagar, in association with JAKASI, Jammu and Kashmir Association of Surgeons of India, where we have delegates from all over India, and we have an operating faculty from Gore Medical College Srinagar and associated hospitals, as well as operating faculty from outside the state. It's a three-day event. The first day will be consisting of a live operative workshop, which is being telecasted all over on the sites, and followed by 2 days of scientific program. So this is a great event for this institute, as well as for Jammu and Kashmir Association Surgeons of India. So the main motto of our conference is that success lies in safety, the safety of patients, safety of the procedure, and finally a good outcome. That is what we believe in. And we have young faculty coming here and young postgraduates, undergraduate students who are experiencing high-end surgeries out there, and it's a good learning platform and good platform to depict our surgical skills. It's going to go a long way in training of young postgraduates and refining our skills of senior faculty. It's going to be a state-of-art event. Thank you very much. ये हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है. पहले दिन तो हमारे लाइव सर्जरीज हो रही है 3 OTs में SMHS के, जो कि ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं यहाँ ऑडिटोरियम में, जिससे कि सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे हैं या कंसल्टेंट्स भी हैं, फील्ड से आए हैं सर्जन्स, बाकी मेडिकल कॉलेज से सर्जन्स आए हैं, जम्मू से सर्जन्स आ रहे हैं, इससे वो थोड़ा सा इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि टेक्निक्स इंप्रूव होती है, बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि सीनियर फैकल्टी अभी जो ऑपरेट कर रही है और ऐसे ऐसे केस दिखा रहे हैं कि जो नॉर्मली उतना नहीं होता है कॉमनली हर एक जगह पर. तो हमारी फैकल्टी बाहर से भी आई है, दिल्ली से कुछ फैकल्टी आई है जो हमको केसेस दिखा रही है. यहाँ की अपनी फैकल्टी सीनियर प्रोफेसर्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे प्रोसीजर जो रूटीन में नहीं होते. इससे तो फ़ायदा होना ही होना है हर एक चीज़ का. आज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, आज वीडियोस ये चल रहा है, ऑपरेटिव वर्कशॉप, लाइव सर्जरीज हो रही है. कल और परसों कॉन्फ्रेंस है, इसमें बहुत से जो टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सर्जरीज में, उन पे डिस्कशन होगा, उन पे डेलिब्रेशन होंगे, उन पे बातचीत होगी, जिसमें जो एक्सपर्ट, रेलिवेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो उस पर अपना ओपिनियन देंगे, सो दैट सारे जो लोग यहाँ पर आए हैं, हम जो डेलीगेट्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो बेनिफिट हो जाएँ इससे. देखिए, ये एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें बाहर से विद इन यूटी ऑफ J&K से जो टॉप सर्जन्स हैं वो मीट करते हैं. ये एक मौका मिलता है इंट्रैक्शन करने का सर्जन्स को, जो अलग अलग माहौल में, अलग अलग सेटअप में काम करते हैं और एक दूसरे की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो बजाते खुद एक एजुकेशन है. और इस हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की हुई है, जिसका नाम है JAKASI Con 2022. ये 3 दिन चलेगी ये कॉन्फ्रेंस. इसमें पहले दिन, आज के दिन, एक लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप होगा. अभी चल रहा है वो लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप. सुबह से हमने 3 केस ऑपरेट किए हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ सर्जन्स अलग अलग ऑपरेशंस करेंगे. और ये सारा जो ऑपरेटिव प्रोसीजर हो, ये रिले होगा हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में, और वहाँ जो सर्जिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और जो नए नए यंगस्टर सर्जन्स हैं, उनको मौका मिलेगा इन तजुर्बेकार सर्जन्स का स्किल देखने का और उनसे इंट्रैक्शन करने का. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप खुद देखते हो, बजाते खुद जो आप देखते हो, वही आप महसूस भी करते हैं. तो ये आप लाइव का मतलब है कि एग्जैक्टली जो सर्जिकल स्टेप्स हो रही हैं वो रिले हो रही हैं और वो आप देख पा रहे हो. उसमें सर्जन का कैलिबर क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं, ओवर द इयर्स उसने क्या क्या टेक्निकल चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की हैं, जो बजाती खुद एक स्टूडेंट को एजुकेशन देता है और वो डिसाइड कर पाता है कि मैं किस लाइन में चला जाऊँ. क्योंकि इसमें
एडवांस लेप्रोस्कोपिक जो मशीन से किया जाता है प्रोसीजर्स हैं, और मुख्तलिफ सर्जन से, जनरल सर्जन है, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक सर्जन है, सो मुख्तलिफ जो पेशेंट्स प्रोफाइल है उनको ऑपरेट किया जा रहा है। और ये एक मौका मिल रहा है डोर स्टेप पे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी कम्युनिटी को, कि वो एक्सपीरियंस हासिल करें, तजुर्बा हासिल करें। ये एक मोड ऑफ़ एजुकेशन है, प्रैक्टिकल मोड ऑफ़ एजुकेशन है, जो एक बहुत ज़रूरी रहता है। अब आपको पता है पिछले 2 साल से कोविड की वजह से फिज़िकल इंट्रैक्शंस बंद हो गई थी, वर्चुअल ही सारा चल रहा था, और ये कोविड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कोविड की नवीयत आप जानते हैं काफ़ी कम हो गई है। तो हमने रिज्यूम किया ये फिज़िकल इंट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस। आज के बाद लाइव ऑपरेटिव के बाद 2 दिन इंट्रैक्शन चलेगी, अपना अपना काम सब प्रोजेक्ट करेंगे, और जो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। तो एक माहौल बन रहा है सर्जन्स का कि वो नए नए जो टेक्निक्स हैं उनको अपनाएं, उनको प्रैक्टिस में लाएं, और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा किसको है? मरीज़ को है। ये सारी टेक्निकलिटीज़ जो आप इम्प्रोवाइज करते हैं, जो आप इल्म सीखते हैं, ये आप फिर अपने ही मरीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इन द प्रोसेस पेशेंट केयर इम्प्रूव हो जाता है। अब मरीज़ को जाना पड़ता बाहर, वहाँ वो लाखों रुपये खर्चता, अपनी फैमिली को भी उठाता, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती। अब डोर स्टेप पर हम टेक्निकल इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, वो जो वो ढूंढता था बाहर, वो अब उसको यहीं मिल रहा है। अब तो जो हमारे सर्जिकल डिपार्टमेंट से यानी इस शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल कर रहे हैं। ये देखिए, हमने फ्लड्स के बाद अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। फ्लड्स की वजह से आपको पता है काफ़ी तबाही हो गई थी 2014 से, आज 8 साल हो गए। 8 साल में हमने काफ़ी रीऑर्गेनाइज किया अपने आप को, हमने अपना करिकुलम चेंज किया, हमने टीचिंग मेथड्स चेंज किए, हमने जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो चेंज किए, और जिसका फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है, और हमने अपनी फैकल्टी को भी अपडेट करने का मौका दिया ताकि वो बाहर जाके डिलीवर कर सकें। और हमने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुकूमत की मदद से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हमने उसको एक हाईएस्ट पेडिस्टल पे ले लिया है। जैसे हमारे पास इस टाइम डिपार्टमेंट में अपना ट्रेनिंग लैब है, जिसमें ये जो एक्चुअल लेप्रोस्कोपी स्टूडेंट ट्रेनिंग लैब में सीख सकता है, उसको वही माहौल वहाँ मिलता है, और उसकी टेक्निकलिटीज़, उसके हैंड स्किल इम्प्रूव हो जाते हैं। फिर हमारा सेमिनार रूम है जहाँ हम उनको डेली लेक्चर्स देते हैं, उनके साथ डिस्कशंस करते हैं, डिलिब्रेशंस करते हैं, तो उनका जो अपने अंदर का टैलेंट है उसको मौका देते हैं बाहर आने के लिए। चलिए सर, ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स जो हैं इससे फायदा उठा रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे पास डेलीगेट्स रजिस्टर्ड हैं 300 से ज़्यादा है। तो उसके बगैर हमारे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं, ये भी एक फ़ायदा है कि मेडिकल कॉलेज में करने से एक तो इंस्टीट्यूशन का नाम हाईलाइट होता है, प्रोजेक्ट होता है, लोग जानते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर कहाँ है, वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी कहाँ है, उसकी लेवल क्या है, तो वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है नीट आजकल होता है, नीट में काउंसलिंग होती है, और स्टूडेंट को मौका मिलता है चूज़ करने का कि मैं किस कॉलेज में जाऊँ, और अपना इंस्टीट्यूशन हाईलाइट करने से ये है कि उसकी चॉइस में सहूलियत हो जाती है, वो डिसाइड कर पाता, हाँ जी मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर जाऊंगा, यहाँ फैसिलिटीज़ इतनी है। तो ये एक इनिशिएटिव है। और दूसरी वजह ये है कि जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें स्कूल कॉलेज ये स्टूडेंट्स हैं, उनका रेगुलर क्लास भी चलता है, वो क्लास अटेंड करके ऑडिटोरियम में आ सकते हैं और विटनेस कर सकते हैं सर जी। उनका एक रॉ माइंड है, अभी उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं ली होती है, बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं, इससे उनका माइंड चैनलाइज हो जाता है, क्योंकि जब उनको टेक्निकलिटी सामने आती हैं, सो इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड्स, एंड दे आर एबल टू डिसाइड कि हमको कौन सी लाइन लेनी है। थैंक यू सो मच। असल में क्या होता है, जो भी कोई ट्रेनिंग होती है एक डॉक्टर की,
ये डिफरेंट लेवल्स की ट्रेनिंग होती है। पहले एक डॉक्टर जो ही ज्वाइन करता है मेडिकल कॉलेज में, तो पहले वो MBBS करता है, फिर वो सर्जन बनता है। मगर एक डॉक्टर की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, वो चालू रहती है हर एक स्टेज में। जो हमारी सर्जरी बहुत इवॉल्व हुई है अभी टाइम से, पहले बेसिक सर्जरी होती थी, अब एडवांस सर्जरी हो रही है। सो आजकल ऑलमोस्ट हर एक सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली होती है, ठीक है ना, उसमें बीमार को बहुत फ़ायदा रहता है। तो हमारा ये मकसद था कि हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी पे हम थोड़ा फोकस करें। तो हमने क्या प्लान किया, हमने ये कॉन्फ्रेंस प्लान की, जिसमें एक दिन हमने वर्कशॉप प्लान किया और दो दिन कॉन्फ्रेंस रही। इस वर्कशॉप की जब हमने रजिस्ट्रेशन चालू की तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 400 डेलीगेट्स रजिस्टर्ड हैं, उसमें ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सर्जन्स जम्मू से आए, बाकी स्टेट्स आए, जो आज ऑपरेट करेंगे और फिर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ऑडिटोरियम में। उसका क्या मतलब रहता है, ताकि हम एक नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएं। एक सर्जन का काम होता है ख़ुद भी ऑपरेट करना और नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाना। तो हमारी ये उम्मीद है कि ताकि हमारे नए डॉक्टर सीखें और इवेंचुअली बीमारों का फ़ायदा हो। आज ये जो हो रहा है ये मोस्टली स्टूडेंट्स के सीखने के लिए प्रोग्राम है। और जो एक एक्सप्लोजन हुआ है हमारी सर्जिकल डिसिप्लिन में, कि एक नया ही माहौल, एक नया ही सिस्टम शुरू हुआ, कि जो एक जिसे हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जल्दी काम पे लौटाना या मिनिमल प्रॉब्लम्स होना, पेन होना, बाकी चीज़ें होना, ये एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो सिखाने के लिए और खुद इंटरेक्टिव सेशंस बनाने के लिए, कि एक दूसरे से हम सीखें और क्या है और क्या करना चाहिए और कैसा बेस्ट करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग दैट कॉज इन द लॉन्ग लॉन्ग रन। मे चु नाव डॉक्टर इकबाल सलीम, बुस प्रोफेसर जनरल सर्जरी मंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सरीनगरस मंज। तुम्हें तो पता कि वनकस लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप चलान, यमुक मकसद तो मुद्दा कि नव नव टेक्नोलॉजी दुनिया मंजे तो यह गस वातन सान प्यार तो ताकि सान पेशेंटन सान स्टूडेंटन वाति अमिक फायद। इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अमिक नई ईजादात गमित नई ती चीज अत मज आमित बेम नेबरम सर्जन इमन कह अलग एक्सपीरियंस सान खुद ज्यादा अच्छी कोशिश करम कि येनस गिश यिन तो असम अतनस अत मज मदद करें अम सत क्या वात फायद कि पेशेंट अमिस यह हे जल्दी जल्दी घर गसित यह हे जल्दी पन कार कर स्टूडेंट इन तरी फिक्री कि दुनिया वोतमुत यह कोत वोतमुत तो ताकि यम तकन सान खुद ब्रो प्रोग्राम वनकस आज लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप यथ मज़ कोशिश करो बहि पे 15 केस करनस यम सारी लैप्रोस्कोप सम पे दोन दोन कॉन्फ्रेंस यथ म हिंदुस्तान पेट यथ मज जम पेट यथ मज बाकी जायो पे सर्जन इन या स्टूडेंट्स इन तम कर पनी कम येनस उजागर तम हावन अस कि तम क्या कर तम सत लगे अस पता कि अस कतनस खामी तो अस कतनस ब्रोट पकु।